सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। बाणासुर नाम का राक्षस था, बाणासुर नाम का राक्षस था, उसको 100 भुजाएं थी। हमारी कितनी है? 2। उसको कितनी थी? मौज होगी उसकी तो नहीं, 100 भुजाएं हों, कैसे कमीज बदलेगा, कैसे करवट लेगा, कैसे सोएगा, कैसे उठेगा? क्या दुखी हो रहा था? बड़ा दुखी था। एक बार घूमते घूमते नारद बाबा उसके पास आ गए। नारद बाबा के चरणों में गिर पड़ा, महाराज मैं बढ़िया दुखी, ये कहां से मालूम इनको 100 भुजाएं, 50 इधर 50 इधर। नारद बाबा ने कहा, बाणासुर तू अपने मकान पर एक झंडा लगा दे, जब झंडा गिर जाए तेरी थानुए भुजाओं कट जाए तो समय ना तेरे सामने भगवान करे तो तू आनंद में हो जाएगा। ठीक है, एक झंडा लगा दिया। वो बाणासुर नाम, बाणासुर की एक लड़की थी, उसका नाम था उषा। वो जवान होगी, शादी के काबिल होगी, जब तक इसका विवाह नहीं हो माता पिता की उसकी सुरक्षा करनी पड़ती है। उस बाणासुर ने अपनी लड़की के लिए एक नया बहन बनवा दिया। नया बहन बनवा करके उसमें उस लड़की को रखा। उसकी एक सहेली थी चित्रलेखा, वो चित्रलेखा और वो दोनों रह रही हैं, और नीचे शिकोटी लगा दी, मेरी बेटी के महल में पुरुष नाम का मच्छर भी नहीं दाखिल होना चाहिए, शिकोटी खड़ी है। वो दोनों रह रही थी, चित्रलेखा उसकी सहेली और उषा। एक दिन रात को सोए हुए उषा हड़बड़ा करके उठी। चित्रलेखा ने पूछा, क्या हुआ बहन? मेरे मन को ले गया कोई कि कौन, मैं जानती नहीं, शक्ल जानती हूं, कौन था मैं नहीं जानता, वो मेरे को मिले तो मेरी जिंदगी बचे, नहीं तो मैं तो गई। एक बात ध्यान करना, हमें हमारे बच्चों को, चाहे मेरे बेटे हैं चाहे बेटियां हैं चाहे बंधु हैं चाहे माताएं बहनें कोई भी हैं, ऐसा कोई काम ना करो जिस कर्म की वजह से हमें और हमारे परिवार को गली में नीची गर्दन करके चलना पड़े। ऐसा कोई हमें कर्म नहीं करना चाहिए। वो तो कहती है, मेरे को मिले तो मेरे जीवन रहे और मैं जानती नहीं कौन है। वो चित्ररेखा थी, वो सब देवताओं के महर्षियों के चित्र बनाना जानती थी, प्रत्येक का चित्र बनाती रही। उषा इनकार करती रही, ये नहीं है ये नहीं है ये नहीं है। आखिर में उसने भगवान श्री कृष्ण का चित्र बनाया, इससे मिलता जुलता उसके बेटे प्रद्युम्न का बनाया चित्र, इससे और मिलता जुलता है उसके बेटे अनिरुद्ध का चित्र बनाया। यानी भगवान का पोता प्रद्युम्न का बेटा अनिरुद्ध था, उसका चित्र बनाया। उषा ने कहा, ये है। अब चित्रलेखा समझ गई भगवान श्री कृष्ण का पोता है, अब प्रद्युम्न का बेटा ये है। ये अनेक रूप धारण करती थी, जो उसकी शैली थी चित्रलेखा, वो अनेक रूप धारण कर लेती थी। चील का रूप बनाया, चील का रूप बना करके आकाश मार्ग से उड़ी, क्यों नीचे से तो जा नहीं सकती, छोटी खड़ी है। चील का वेश बना करके रात में ही पहुंची द्वारका। द्वारका चील बन करके खोज रही है अनिरुद्ध कहां। देखा महल की तीसरी मंजिल पर, गर्मी का महीना है, छत पर मंजा बिछाए सो रहा है। विचार किया, इसको उठाऊं और ये कह दे मैं तो नहीं चलता, मेरी सहेली तो रहेगी। फिर इसने क्या किया, दोनों पंखों पर नीचे से सोए अनिरुद्ध को आकाश मार्ग से उषा को सौंप दिया। लोग सुनवा दो, अब उषा और अनिरुद्ध रहने लगे। काफी दिन हो गए, 2-4-6 महीने हो गए, तो जो सिक्योरिटी वाले थे उन्होंने देखा इस लड़की के हाव भाव ठीक नहीं नजर आते। उन्होंने सोचा कभी हमारी कंप्लेंट नहीं हो जाए, हमारी एक्सप्लेनेशन कॉल नहीं हो जाए, क्या किया तुमने। वो उसके पिता के पास गए, उसको कहा, महाराज हमारी इतनी सख्त सिक्योरिटी है, तुम्हारी बेटी के महल में पुरुष नाम का मच्छर नहीं जा सकता, लेकिन हमें पता नहीं है
तेरी बेटी के हाव भाव ठीक नहीं दिखाई देते, संभालो आप जाकर। वो आया आया फट 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 कर करके जीने में चढ़ के ऊपर जब पहुंचा तो देखा एक मंजे पर बैठी है उसकी बेटी और वो अनिरुद्ध। कुंवारी बेटी के पास पर पुरुष बैठा हो पिता को सहन होगा है? लड़ाई होगी, दोनों का युद्ध हो गया। दोनों के युद्ध होते होते उसने बाणासुर ने और सेना बुला ली, अनिरुद्ध को कैद में कर दिया। अनिरुद्ध तो अकेला था, अनिरुद्ध को काट डाल दिया कैद में। अच्छा एक बात आपसे पूछे, उषा पिता का साथ दे के अनिरुद्ध का दे, जो लड़की किसका साथ देगी, किसका पक्ष ले, अनिरुद्ध का पक्ष ले के पिता का? नहीं बात समझ, किसका पक्ष ले? हद हो गई, मेरी एक प्रार्थना है, अभी भी मैंने एक बताया, कोई काम हमारे बच्चों को ऐसा नहीं करना चाहिए जिस कर्म की वजह से हमारे माता पिता किसी संकट में पड़े और किसी बेइज्जती में पड़े, ऐसा कोई कर्म नहीं करना चाहिए। अच्छा आप कैद में ठोक दिया, वो कैद में है, 5-6 महीने हो गए। नारदी श्रीमन नारायण का उच्चारण करते हुए द्वारका पहुंचे, द्वारका में भगवान श्री कृष्ण को मिले। भगवान श्री कृष्ण ने आइए आइए नारद आइए, बड़े दिन के बाद आना हुआ, कहां रहे इतने देर? नारद जी ने कहा भगवान श्री कृष्ण से, तुम्हारा पोता अनिरुद्ध कहां है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा खेल रहा होगा यही कि पता तो करो, पता लगे 6 महीने से तो गायब है। अच्छा लड़की होती तो 6 महीने से गायब को संभालते नहीं, लड़का है 6 महीने से गायब है कोई बात नहीं, और लड़की 6 घंटे नहीं 6 मिनट लेट हो जाए माता पिता को यू हो जाता कहां गई। अब भगवान श्री कृष्ण ने नारद से पूछा तुम त्रिकालदर्शी महात्मा हो, मेरा पोता कहां बताओ? कि तुम्हारा पोता तो बाणासुर की कैद में है। वो क्यों? सारी बात बताई। इस प्रकार से बाणासुर की लड़की है उषा, और उषा ने अपनी सहेली चित्रलेखा को तुम्हारे पोते को आकाश मार्ग से उठाकर के ले गई उसकी कैद में, और बाणासुर ने लड़ाई करके तेरे पोते को कैद में डाल दिया। भगवान श्री कृष्ण ने सोचा मेरे पोते का तो कसूर भी नहीं हो, तो अपने महल में ऊपर सो रहा था, सोए को उठा के ले गई। भगवान श्री कृष्ण ने बाणासुर पर चढ़ाई की, चढ़ाई की। बाणासुर शिवजी का उपासक था, बाणासुर ने शिवजी के पास जाकर के महाराज आपने बहुत लोटे पानी के मैंने चढ़ाए तुम्हारे को, बेल पत्थर भी चढ़ाए और तुम्हारे को भांग भी चढ़ाई, अरे चढ़ा आज मेरी मैं मुसीबत में हूं, मेरी सहायता करो, युद्ध हो रहा है। भगवान शिव ने कहा चलो मैं करता हूं सहायता। भोले बाबा उसकी सहायता करने के लिए आए, जब देखा भोले बाबा ने सामने तो मेरे इष्ट कृष्ण है, मैं अपने इष्ट देव के साथ युद्ध कैसे करूंगा? शिवजी महाराज ने बाणासुर को कहा बाणासुर मेरे तो भाई जवाई आने लगी, मैं तो जा रहा हूं, मेरे में तो खड़े होने की हिम्मत नहीं, जवाई इतनी आ रही है, वो तो चले गए। अब भगवान श्री कृष्ण ने बहुत सारी उसकी सेना को मार दिया, 98 भुजा काट दी उसकी। कितनी कितनी रह गई? 2। झंडा अपने आप गिर गया। नाद बाबा ने क्या बता रखा था, जब तेरी 2 भुजा रह जाएं और झंडा अपने आप गिर जाए समझ लेना मेरे सामने भगवान खड़े हैं। जो होगी झंडा गिर गया 2 भुजाएं रहेगी। बाणासुर कन्हैया के चरणों में गिर पड़ा, महाराज अनिरुद्ध को निकाला कैद से, उषा को दुल्हन बनाया, 7 फेरे हुए और 7 फेरे देकर के अनिरुद्ध की शादी किससे होगी? उषा से।